सस्ती भी हो ज्यादा महंगी ना हो। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई हम लोग निकले हैं बाहर गाड़ी अपनी अल्कज़ार लेकर के दूसरी गाड़ी की हंट पे, क्योंकि आपको पता है कि जसप्रीत सिंह दुआ जी ने अपनी थार बेच दी है, मेरी थार बेच दी है। तो अब कुछ नई गाड़ी तो आएगी ना घर पे, सो अब चाहिए इनको 5 सीटर। स्कॉर्पियो तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ अभी, पहला क्योंकि उसका बजट नहीं है और वो बहुत महंगी गाड़ी है। ठीक है, मतलब लेने को ले सकता हूँ पर वर्थ नहीं लग रही फिलहाल, क्योंकि ये एक सिक्स सीटर है तो दूसरे सिक्स सीटर लेने का मन नहीं कर रहा। दूसरी मेरे को 5 सीटर ही चाहिए, दूसरी मुझे 5 सीटर चाहिए। हुंडई की कार 3 साल चला रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है, तो इसीलिए मन किया कि एक काम करते हैं हुंडई की दूसरी कार क्यों ना ट्राई करें, वेन्यू ट्राई करते हैं। सो हम वही जा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा ट्रायल लेंगे, क्या है सब कुछ पता करते हैं। बस शोरूम आ गया, चलो ये है वेन्यू, हुंडई की वेन्यू गाड़ी, ठीक है ना, पूरी एग्जैक्ट सेम है जो अपनी अल्कज़ार की है। तो मतलब फ्रंट से तो जाली वैसी सी लग रही है ना इसकी, जो ड्रिल, ये जो ग्रिल लगी हुई है थोड़ी सी चौड़ी है अल्कज़ार की, इसकी थोड़ी सी वो स्क्वीज हुई हुई है बस। ऑटोमेटिक अल्कज़ार वाला, अल्कज़ार वाला ऑटोमेटिक। देखो भाई आर्मरेस्ट भी है, ठीक है, और अगर मैं अंदर की बात करूं कि आगे सीट आ गई, ऑटोमेटिक है बेस्ट है। ये इसका गियर है, ये तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। साला इसका भी यार गियर ऐसे दे रखा, ऊपर दे रखा, ऊपर को चढ़ा देते हैं यार ये लोग, पता नहीं। सारी बीमारियां वही है लाइट वाली है ना। तो दुआ जी टेस्ट ड्राइव लेते हुए, अच्छा इसमें हैंड ब्रेक भी बोला है यार, तो फिर बड़ी बेकार हो गई तो मेरे बारे में तो। नीचे कैसे थोड़ा हो रॉ गाड़ी है, देखो छोटी गाड़ियां ना ऐसी होती हैं, ऐसे 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 प्रेस करो। अच्छा नहीं ये नीचे कैसे होगी सीट, नीचे दुआ जी क्या हो गया, अभी कुछ हुआ दुआ जी के साथ, ये ऑन रोड, ये वाला मॉडल जो आप चला रहे हो ना 16 लाख की, ये टॉप मॉडल है एनलाइन में। थोड़ी लेनी है अगर आप इसका टॉप मॉडल में जा रहे हो तो टॉप मॉडल में आप चाहोगे ना कि फीचर्स अच्छे हो, वो नहीं है। आप ऑटोमेटिक वाली कर सकते थे और जो चेयर एडजस्टिंग सिस्टम होता है वो दूसरा कर सकते हैं। एवरेज क्या दे रही है, 13-14 तो क्रेटा भी देती है। क्रेटा का बेस मॉडल कितने का है, क्रेटा का बेस मॉडल मैनुअल में, हां नहीं मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक 90 लाख का 19 तो भाई क्रेटा ना ले, रेट बढ़ गया उसने, क्रेटा ना ले ले फिर 16-19। हां फिर और बल्कि काम करते BMW चलते हैं, ये काम करते हैं BMW भी चलते हैं, जब कैंसिल करनी है तो फिर बढ़िया देखो ना, पहले जगुआर चलते देखने, जेब में 10 रुपए पड़े हैं, इनको भाई 25-25 लाख रुपए लिखा दिया। तो भाई तो जी दिखाई उन्होंने i20 है ये बढ़िया सी, ये भी एवरेज देती है, ये देगी आपको लोकल विद सिटी विदेशी 14 की बलिनो तो इससे ज्यादा देती है,
बलिनो इससे ज्यादा एवरेज देती है। सारे पैसे तुमने अल्कोदार में ले लिए। पता नहीं क्या ऐसा लोन करवाया अल्कोदार में, आज तक नहीं उतर रहा। अभी भी 7.5 लाख रुपए दे लिए उसके। और ये है i20। अब हमें ये नहीं डिसाइड हो रहा कि हम ये चेक करें या नहीं चेक करें। ये इसलिए रिकमेंड आपको की गई है, जो भी आप ड्राइव करके आए हो ना, जो ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हो जो उस मुकाबले का ट्रांसमिशन। क्या ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए? कमेंट कर दो फटाफट नीचे। फाइनली दुआ जी i20 में बैठ गए हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एटलीस्ट मैं बैठ के तो देखूं। तो जम्मू से कटरा। हाँ जी, चंडीगढ़ ड्राइवरी करनी है। इसे देख रहा हूं मैं, एक गाड़ी रेंट पे दे देती हूं तुम्हें। एक गाड़ी मैं रेंट पे दे सकती हूं तुम्हें। ये देख इसके ये तो बेस्ट फिट है, मैनुअल है बट इट्स गुड। सनरूफ मैनुअल है। ये 13 लाख रुपए टॉप मॉडल है। एक बात बोलूं। यहाँ से हम लोगों ने Hyundai का देख लिया है, जो भी देखना था। अब हम जा रहे हैं प्रोबेबली मारुति के शोरूम, जहाँ पे हम दूसरी गाड़ी चेकआउट करते हैं, और जो कि है स्विफ्ट न्यू मॉडल। और फिर शायद कुछ हम चेकआउट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहो, आगे आने वाला सी। तो भाई अब आ गए हैं हम लोग, मारुति नहीं गए हैं शोरूम पे, अब हम आए हैं किया के शोरूम पे। और लेट्स सी किया कि कुछ कार्स पसंद आती हैं या नहीं। ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं। हाँ जी, तो अब आए हैं हम किया के शोरूम पे, और हम मतलब टेस्टिंग ले रहे हैं इसकी, सोनेट की, किया सोनेट की। सोनेट है ना ये, किया सोनेट की। ये फेसलिफ्ट आ रहा है और फेसलिफ्ट है। ये नई वाली सोनेट है किया सोनेट, और ये पुरानी वाली सोनेट ये खड़ी है। हम लोग ऑब्वियसली लेंगे अगर, तो फिर नई वाली में ही जाएंगे। सो करण दुआ जी, इसमें वो ऐसे ऐसे वाला है? है? ओह शिट, सीरियसली? ओह माय गॉड, सो डिसअपॉइंटिंग यार। ये कैसे होगा आगे? इस ये रहा सीट। ये रही। इलेक्ट्रिक है। सो सीट्स की इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, बट अगर आपको सीट अप एंड डाउन करनी हो तो वही बेकार वाला फीचर है, जो कि हर गाड़ी में हमें, छोटी सेगमेंट की गाड़ी में हमें दिख रहा है। हाँ, तो मच बेटर देन तुम्हारा वेन्यू एंड मच बेटर देन i20। वो तो मैंने आपको बोला था, देखो ये इससे कनेक्टेड है तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। सोनेट है, ये नया आया है और ये बहुत बढ़िया लग रही गाड़ी। दिल आ चुका है गाड़ी का, बस बुक होने वाली है ये, समझ लो मेरी। मतलब इसमें बैठ करके थोड़ी सी प्रीमियम फील आ रही है, यू नो। ये लो, ओ सनरूफ भी है। तो ये मेरी प्राइवेट कार है और ये जाएगी टूर पे, लंबे टूर्स पे जाएगी गाड़ी। ये मेन मोटिव यही है। एवरेज की बात करें तो कितना देती है? ऑन रोड कंपनी की 19। अच्छा, तो 50 से बोल सकते हो। 16,000 दिल्ली में कितनी जाएगी? 16,000 दिल्ली में, विद इन दिल्ली 14-15 तो मान के चलो, है ना। अभी अपने बजट में भी तो आनी चाहिए। क्या प्राइस है? 17,000। वाओ, ओए ये क्या हुआ? क्या ये टूट गया? अरे उसको निकल गया पेज, उधर अपने पर रख। पता कैसा फील हो रहा है भाई? किया की बात मस्त है, मुझे बहुत पसंद आई है गाड़ी। छोटे सेगमेंट की गाड़ी, दिस इज सुपर्ब। बट हाँ, जो हमारा थोड़ा प्राइस रेंज था वो थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है अगर हम इस गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं तो। ये गाड़ी है 17,10,000। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली। और हमारा जो प्राइस सेगमेंट था वो 13-14 अप्रॉक्स मान के चल रहे थे। हाँ, बट अगर हम ये गाड़ी लेते हैं तो मुझे इतना है कि हम रिग्रेट नहीं करेंगे। मुझे लुक एंड फील बहुत अच्छी लगी अंदर की। मतलब बैठ करके ऐसे लग रहा है कि ये सनरूफ भी है, वो मैनुअल है। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम वाली फील दे रहे हैं। ऑटोमेटिक भी है? हाँ है, ऑटोमेटिक नहीं होगा ये सनरूफ? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक तो ये स्लाइडिंग स्लाइडिंग से आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। दोनों शोरूम हम विजिट करके आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था मारुति जाएंगे, बट मारुति का शोरूम बंद हो गया था, इस वजह से नहीं जा पाए। सो वी चेंज्ड आवर माइंड कि हम किया क्यों नहीं चेकआउट करते। तो हमने किया चेकआउट किया आपके सामने ही, और हमें किया की गाड़ी बहुत पसंद आई है। मतलब बहुत ऑसम था, न्यू फेसलिफ्ट। हाँ, न्यू फेसलिफ्ट हमें बहुत पसंद आया। अच्छा, उसका लुक एंड फील इज सुपर ऑसम। और अब घर जाते हैं। 3 दिन पहले इसका इस गाड़ी का फेसलिफ्ट का न्यू मॉडल रील उसने भेजी थी। अच्छा, कितनी सेक्सी लग रही है। ऑनेस्टली बहुत सेक्सी गाड़ी है यार, अगर मैं सही में वर्ड में बोलूं तो। भाई मतलब दिल खुश हो गया अगर सच बोलूं ना, अगर मैंने ये गाड़ी ना ली होती तो मैं
5 सीटर थी पावर ले लेता। बट ऑनेस्टली दिल खुश हो गया गाड़ी देख करके। म्यूजिक सिस्टम ओ भाई साहब, बोस के स्पीकर, 6 स्पीकर, 2 ट्विटर और सबवूफर भी, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सब कुछ है उस गाड़ी में ऐसा लगा हमें, मतलब ना करने वाली गाड़ी लग नहीं रही है। उसने जो रेट दिया है 17,10,000 रुपए टॉप मॉडल। अब देखते हैं और डिलीवरी बोल रहा है कब चाहिए तब मिल जाएगी। अगर आपको वो डार्क ब्लू कलर लोगे आप, जो ब्लैक का शेड भी देता है, और जो मुझे कलर पसंद आया था जो आपको मैं दिखाया था वीडियो में, वो उसकी वेटिंग है 15 से 20 दिन की, ऑलिव कलर। और व्हाइट लोगे तब भी 15 से 20 दिन, व्हाइट नहीं लेना चाहता, व्हाइट तो नहीं, 15 मेरे को ये डार्क कलर ही पसंद आते हैं। चलो लेट्स गो होम, डिसाइड करते हैं और आपको बहुत ही जल्द बताएंगे कि हम क्या फाइनल कर रहे हैं। तो भाई ये संतरा खा रहा है, ऐसे खाते संतरा, ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं, कड़वा कड़वा लगेगा आपको पूरा। आपकी न्यू न्यू कार आ रही है, आपको फिर भी शर्म नहीं आती है? ऐसे कौन संतरा खाता है? ये देखना देखना, ये छिलका ले ले, इसका ले ले यार। नहीं नहीं नहीं, कड़वा है, इसको रोटी दे, रोटी दे इसको भाई, इसको रोटी, इसको छिलके दे दे, आप छिलके दे दे, छिलके दे दे, छिलके खाना, छिलके दे दे, जाओ मम्मा से, मम्मा से ले लो, जाओ चल के चल दिए, डायपर की वजह से ना ऐसे चलते इधर आ। कैसे हो रहा है मुंह? ए कड़वा है, गंदा था, गंदा था, गंदा था, पापा को पारी कर दो, पारी कर दो पापा को। मेरा नोना बेबी, मेरा सबसे प्यारा नोना बेबी। ए हाँ, जाओ मम्मा के पास जाओ, चिज्जी ले लो।